दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसे डेली डायरेक्टर की जिन्होंने कम ही मूवी का डायरेक्शन करा और जिस मूवी का भी डायरेक्शन करा वो बॉक्स ऑफिस में एक सुपर डुपर हिट मूवी हो पाई। और उनके जो बॉलीवुड करियर की अगर हम बात करें तो एक ही मूवी अभी फ्लॉप हुई है, तो चलिए जानते हैं। उनका नाम है डायरेक्टर फराह खान। आज हम फराह खान, वैसे उनका दूसरा प्रोफेशन एज ए कोरियोग्राफर भी उन्होंने बहुत सारी मूवी में काम किया और अभी तक एक्टिव हैं, पर आज हम सिर्फ उनकी एज ए डायरेक्ट करी हुई मूवी का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे कि उनकी मूवियों का क्या हाल रहा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं डायरेक्टर फराह खान की कि उनकी वो कौन सी बेस्ट 3 मूवी हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट करी हुई मूवी से वो बॉलीवुड में एक सुपरस्टार डायरेक्टर के रूप में उभर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली अगर हम उनकी एज ए डेब्यू डायरेक्टर मूवी की बात करें तो वो है मैं हूं ना, जिसमें इनकी को स्टार कास्ट थी शाहरुख खान और सुष्मिता सेन, लंबी स्टार कास्ट थी सुनील शेट्टी, किरण खेर, जायद खान और अमिता राव और कबीर बेदी जी भी इसमें एक मेन लीड रोल में थे और नसीरुद्दीन शाह का भी इसमें छोटा सा रोल था। काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी और इस मूवी में शाहरुख खान की एक्टिंग को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और एज ए डायरेक्टर डेब्यू मूवी के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक सुपर डुपर हिट मूवी के रूप में साबित हो पाई और फराह खान का जैसा सिक्का जम गया। अब हम इनकी सेकेंड मूवी की बात करें अगर हम उसको रखें तो एक बार फिर किंग खान के साथ, शाहरुख खान के साथ आई मूवी ओम शांति ओम। इसमें इनके साथ दो स्टार कास्ट थी, दीपिका पादुकोण और अर्जुन रामपाल, इस तरह से कास्ट थी। सरेश तलपड़े भी इसमें काफ़ी सपोर्टिंग रोल में थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये मूवी एक ब्लॉकबास्टर मूवी के रूप में इस मूवी को देखा जाता है और इस तरह से फराह खान की ये मूवी भी सुपर डुपर हिट हो पाई। और दोस्तों उसके बाद इनकी तीसरी मूवी जो आई वो 30 माह खाई, वो उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, वो भी एक फ्लॉप मूवी साबित हो पाई जो कि अक्षय कुमार के साथ बनी हुई थी। तो दोस्तों अब हम इनकी तीसरी मूवी को रखते हैं जो एज ए सक्सेस मूवी रही, वो है हैप्पी न्यू ईयर। इसमें इनके स्टार कास्ट थी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बमन ईरानी, काफ़ी लंबी स्टार कास्ट थी सोनू सूद और इस तरह से इनकी लंबी स्टार कास्ट थी। जैकी श्रॉफ इसमें एक नेगेटिव रोल में थे और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी के रूप में इस मूवी को देखा गया। काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल हिट रही है मूवी और इसकी कहानी भी लोगों को काफ़ी पसंद आई और ओवरसीज में भी ये काफ़ी सारी हिट रही है मूवी वर्ल्ड वाइड। और इस तरह से ये फराह खान की ये चौथी मूवी है जो अभी तक उन्होंने डायरेक्ट करी है और 4 में से 3 उनकी सुपर डुपर हिट रही और 1 इनकी फ्लॉप रही। अब दोस्तों अभी तक इनकी 5वीं मूवी कोई नहीं आ पाई, अभी देखते हैं ये कौन सी लेके आते हैं। तो फिलहाल इनकी 4 मूवी रही इस तरह से अगर हम इनका विश्लेषण करें और ये एज ए डायरेक्टर इनकी मूवी है और डायरेक्शन का इनको बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो अच्छा हुनर है इनके पास और इन्होंने एज ए कोरियोग्राफर भी बहुत सारा काम किया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके एज ए कोरियोग्राफर की बात करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी हुई रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।